और आइए इन चार मिस्रों से मैं मालेगांव से तशरीफ लाए हुए, उनका ताल्लुक मालेगांव से है, मुजम्मिल आबिद साहब बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा पढ़ता है, ये बंदा आज के मुशायरे में शरीक है, इसे आज दाद तहसीन की नहीं बल्कि दुआओं की जरूरत है कि दिल लुभाते हुए मंजर से निकल आते। मेरा भाई मुश्ताक अहमद मुश्ताक मालेगांव शहर से लिखता है कि दिल लुभाते हुए मंजर से निकल आते हैं, वो भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं। दिल लुभाते हुए मंजर से निकल आते हैं, वो भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं। बेसबब हमको दबाने की ना कोशिश करना, हम वो सब्जे हैं जो पत्थर से निकल आते हैं। पुरदो ताले पर इस्तकबाल कीजिए मुजम्मिल आबिद साहब मालेगांव। हाजिरीन गिरामी, सबसे पहले तो मैं मेरे बहुत ही मोहतरम जनाब मुल्ला भाई का शुक्रगुजार हूं कि इनकी काविशों से, इनकी मोहब्बतों से मैं आपके दरमियान हाजिर हूं और चाहता ही हूं कि आप सबकी मोहब्बतें हासिल करूं। जनाब सदर से इजाजत चाहते हुए, जी जी सबको इजाजत है, मैं अपनी नज्मों का मतलब पेश करता हूं, सुनिएगा दोस्तों। सींचा था जो सींचा था जो लहू से वो ये दोस्तान पे, सींचा था जो लहू से वो ये दोस्तान पे, या रब तू मेरे मुल्क में अमनो अमान दे। अच्छा है, वाह वाह, ये अल्लाह में अमनो अमान दे। अच्छे भाई, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फूलों में बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस नज्म का पहला बंद क्षमा क्षमा जी भाई पेश करो। हर दर्द की दवा हर गम से दे नजात, हर शहर हर नगर में रहमत की हो बरसात, हर दर्द की दवा कर हर गम से दे नजात, हर शहर हर नगर में रहमत की हो बरसात। दोस्तों इस मिसरे पर सबकी दाद चाहूंगा मैं जी पेश। हर दर्द की दवा कर हर गम से दे नजात, हर शहर हर नगर में रहमत की हो बरसात, हर शहर हर नगर में रहमत की हो बरसात, हर पर्वे हर पर्वे उम्मती को रोजी हलाल दे, हर पर्वे उम्मती को रोजी हलाल दे। यार अब तू मेरे मुल्क में अमनो अमान दे, यार अब तू मेरे मुल्क में अमनो अमान दे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। जालिम हुकूमत मजलूम है आवाम, सब जानते हैं यार अब सबका है ये कलाम, जालिम सब जानते हैं यार अब सबका है ये कलाम, इस मुल्क के इस मुल्क के सरकार यार अब सवाल दे, यार अब तू मेरे मुल्क में अमनो अमान दे, यार अब तू मेरे मुल्क में अमनो अमान दे। और दोस्तों हमारा हाकिम कैसा होना चाहिए, हमारा रहबर कैसा होना चाहिए, इसको मैंने अपने बंद में कहने की कोशिश की है। इस बंद में मैंने खुल्फाए राशिदीन का जिक्र किया है। अब देखना यह है कि यहाँ कितने खुल्फाए राशिदीन वाले बैठे हैं। सुनिएगा दोस्तों, इस बंद पर सबकी दाद चाहूंगा, सबकी तवज्जो चाहूंगा। बहुत अच्छे भाई,
अगर ऐसा कोई उस्मान अली है यार ऐसा कोई सिद्दीक उमर हो उस्मान अली है दर सिद्दीक उमर हो उस्मान अली है दर दे हाकिम दे हाकिम ऐसा जिसकी दुनिया मिसाल दे या रब तू मेरे मुल्क में अमनो अमान दे या रब तू मेरे मुल्क में अमनो अमान दे। और दोस्तों इस शेर इस मिसरे में अगर सच्चाई हो इस बंद में अगर सच हो आपके और मेरे दिल की बात हो तो आपकी दाद चाहूंगा। अमनो अमान ही है आतंक बचा जालिम को नहीं मिल रही मजलूम को सजा मजलूम को सजा जालिम को नहीं मिल रही मजलूम को सजा हम दर्द के हम दर्द के मारे हैं अपना इम्तिहान ले या रब तू मेरे मुल्क में अमनो अमान दे या रब मेरे मुल्क में अमनो अमान दे। और दोस्तों मक्ते का मतलब मुलाहिजा फरमाए मक्ते का बंद मुलाहिजा फरमाए दोस्तों करता है रब से आज इस हर वक्त ये दुआ परवरदिगार मुल्क को हर दाग से बचा करता है रब से आज इस हर वक्त ये दुआ परवरदिगार मुल्क को हर दाग से बचा परवरदिगार मुल्क को हर दाग से बचा हर शर से हर शर से हिफाजत कर हर खैर उतार दे या रब तू मेरे मुल्क में अमनो अमान दे या रब तू मेरे। एक दर्द अपने दिल में समोने लगोगे तुम एक दर्द अपने दिल में समोने लगोगे तुम अश्कों से अपने चेहरे को धोने लगोगे तुम और तुमने कहा सुनी हो मेरे गम की दास्ता मैं हंस के भी कहूंगा तो रोने लगोगे तुम। ये बच्चा मुकीम असर बयावली साहब के गांव का है ये बच्चा अल्ताफ जिया साहब के गांव का है ये बच्चा असर सिद्दीकी साहब के गांव का है मगर ये शेर उस पर बड़ा फिट पड़ता है कि हवा के दोष पे रहने दो जलना सीख जाएगा हवा के दोष पे रहने दो जलना सीख जाएगा ये बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा।